Assalamualaikum students, week 3, lecture number 1, unit number 3, fractions. Today's topic is exercise number 13, 14, and 15. Page number 44, fractions with different denominators. To add such fractions, first convert the denominators of the fractions so that they are same. Then add them as usual. इसका मतलब ये है कि जब फ्रैक्शंस के डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों तो आपने उन डिनिनेटर्स को सेम करना होता है ऐड करने से पहले नोट फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस टेक द एलसीएम ऑफ़ द डिनोमिनेटर एज पैक्टिस व्हेन कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस जैसे हम लोगों ने कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में सीखा था एलसीएम लेने के लिए तो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे आपने वहाँ पे भी एलसीएम लेना है और फिर डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है उसके बाद आपने प्लस करना है एक्सरसाइज नंबर थर्टीन एट द फॉलोइ फ्रैक्शंस पार्ट डी एट बाई थर्टी प्लस फोर्टीन बाई ट्वेंटी फाइव प्लस टेन बाई फाइव यहाँ पर तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम एल सी एम लेंगे थर्टी कॉमा ट्वेंटी फाइव कॉमा फाइव अब सबसे पहले हम जो लीस्ट डिजिट है जो टेबल में आता है वो टू है उसके साथ डिवाइड करेंगे ट्वेंटी फ़ाइव और फ़ाइव जो है वो और नंबर है वो टू के टेबल में नहीं आएंगे थर्टी जो है वो इवन नंबर है जब मैंने थर्टी को टू से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आता है फ़िफ्टीन फिफ्टीन कॉमा ट्वेंटी फाइव कॉमा फाइव ये तीनों और नंबर्स हैं और ये टू के टेबल पर नहीं आएंगे सो वी विल ट्राई टेबल ऑफ थ्री थ्री के टेबल पे फिफ्टीन आता है थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव अब फाइव कॉमा ट्वेंटी फाइव कॉमा फाइव ये तीनों ना टू के टेबल पे आएंगे ना ही थ्री के टेबल पे आएंगे और ना ही फोर पे तो हम ट्राई करेंगे फाइव का टेबल फाइव के टेबल पे ये तीनों आ रहे हैं तो हमारे पास आंसर आएगा वन कॉमा फाइव कॉमा वन। जैसे कि हमारे पास आंसर है वन कॉमा फाइव कॉमा वन हम दोबारा इसको फाइव के टेबल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वन कॉमा वन कॉमा वन जब तक वन कॉमा वन कॉमा वन नहीं आ जाएगा एलसीएम में आपने तब तक डिवाइड करते रहना है एलसीएम इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव टू multiplied by 3 is 6 and फाइव multiplied by फाइव is ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव 6 is 150. LCM वन फिफ्टी वन फिफ्टी हमारे पास जो सबसे पहला फ्रैक्शन है एट बाई थर्टी है अब आपने डिनोमिनेटर को वन फिफ्टी के इक्वल करना है तो डिनोमिनेटर थर्टी है मैं थर्टी को वन फिफ्टी से डिवाइड करूँगी मेरे पास आंसर आता है फ़ाइव इसका मतलब मुझे एट को और थर्टी को फ़ाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है जब मैं थर्टी को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास वन फिफ्टी आएगा आंसर जो कि एलसीएम के इक्वल है एट मल्टीप्लाई बाय फाइव इज़ फोर्टी एंड थर्टी मल्टीप्लाई बाय फाइव इज़ वन फिफ्टी सेकेंड फ्रैक्शन इज़ फोटीन बाई ट्वेंटी फाइव इसका डिनोमिनेटर ट्वेंटी फाइव है मुझे डिनोमिनेटर को एक स्पेसिफिक डिजट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो एलसीयम के इक्ल हो जाए तो यहाँ पे मैं वन फिफ्टी को ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करूँगी आंसर सिक्स है और ट्वेंटी फाइव और 14 को मैं सिक्स से मल्टीप्लाई करूँगी As यू कैन सी आई हैव डन the फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय सिक्स इज़ एटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय सिक्स इज वन फिफ्टी ना थर्ड फ्रैक्शन टेन बाई फाइव इसका डिनोमिनेटर फाइव है आपने फाइव को एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो आंसर वन फिफ्टी आ जाए 150 divided by 5 is 30. So, I'm gonna multiply 10 and 5 with 30. I have done the rough work. 30 multiplied by 10 is 300, and 5 multiplied by 30 is 150. 8 by 30 ka answer tha 40 by 150. 14 by 25 ka answer tha 84 by 150. or 10 by 5 ka answer tha 300 by 150. अब यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर सेम हैं जो कि वन फिफ्टी हैं अब हम इसको ऐड कर सकते हैं फोर्टी प्लस एटी फोर इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फ़ोर वन ट्वेंटी फोर प्लस थ्री हंड्रेड ओवर वन फिफ्टी वन ट्वेंटी फोर प्लस थ्री हंड्रेड इज़ फोर ट्वेंटी फोर सो द आंसर इज़ फोर ट्वेंटी फोर ओवर वन फिफ्टी फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय वन फिफ्टी को हमने लीस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम इसको सबसे लीस्ट डिजट के साथ डिवाइड करेंगे जो कि टू है फोर ट्वेंटी फ़ोर और वन फिफ्टी दोनों जो हैं वो इवन नंबर हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर फोर ट्वेंटी फ़ोर को डिवाइड की है टू के साथ आंसर है टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व वन फिफ्टी को जब मैंने टू से डिवाइड किया है आंसर सेवेंटी फाइव है सेवेंटी फाइव में डिनोमिनेटर की जगह लिख दूंगी और टू हंड्रेड एंड टेटर की जगह है दिस फ्रैक्शन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर सो दिस इज द लोएस्ट वैल्यू एक्सरसाइज नंबर फोर्टीन पार्ट ए कप केक रेसिपी रिक्वायर्स फाइव बाई एट कप ऑफ शुगर फॉर द फ्रॉस्टिंग एंड थ्री बाय फाइव कप ऑफ़ द sugar फॉर द cupcake batter how हाउ मच is that all ऑल टुगेदर यहाँ पे एक कप केक की रेसिपी बनानी है जिसके लिए हमें फाइव बाई एट कप ऑफ शुगर चाहिए फ्रॉस्टिंग के लिए जो उसके ऊपर हम डेकोरेट करते हैं क्रीम और थ्री बाई फाइव कप ऑफ शुगर चाहिए मुझे केक का बैटर बनाने के लिए अब हाउ मच शुगर इज डैट ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर इन दिस वर्क प्रॉब्लम मीन्स वी आर गोइंग टू डू द एडिशन शुगर फॉर द फ्रॉस्टिंग एक टू फाइव बाई एट ऑफ द कप शुगर फॉर द कप केक बैटर इज़ थ्री बाई फाइव ऑफ द कप शुगर ऑल टुगेदर इज़ फाइव बाई एट प्लस थ्री बाय फाइव यहाँ पर डिनोमिनेटर एट और फाइव है जो कि एक नहीं है तो हम यहाँ पर एलसीयम लेंगे एट कॉमा फाइव सबसे पहले हम टू के लेवल स्टार्ट करेंगे फोर कॉमा फाइव आंसर आ जाएगा अगेन फोर जो है वो टू के टेबल पे डिवाइड होता है तो आंसर आएगा टू कॉमा फाइव टू जो है वो टू के टेबल पे फिर से डिवाइड हो रहा है तो आंसर आएगा वन कॉमा फाइव फाइव जो है वो फाइव के टेबल पे डिवाइड होगा वन कॉमा वन एल इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय फाइव टू को हमने थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई की है, उसका आंसर एट आएगा एट मल्टीप्लाई बाय फाइव इस फोर्टी अब हमने फाइव बाई एट प्लस थ्री बाय फाइव दोनों के डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल करना है एलसीएम हमारे पास फोर्टी है एट को मैं किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर फोर्टी आएगा फाइव है वो डिजिट। फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव और एट मल्टीप्लाई बाई फाइव प्लस अब फ़ाइव को मैं किस टीचर के साथ मल्टीप्लाई कि मेरे पास डिनोमिनेटर में फोर्टी आए वो है डिजिट एट फाइव मल्टीप्लाई बाई एट एंड थ्री मल्टीप्लाई बाई एट आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी प्लस ट्वेंटी फोर बाई फोर्टी यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव इज़ फोर्टी नाइन बाई फोर्टी एस दिस इज़ an improper fraction i will convert it into mixed number 49 divided by 40 is my remainder 9 aega, or 1 whole number here or 40 denominator here 1 whole 9 by 40 is the answer so sugar altogether is 1 whole 9 by 40 cup of sugar Part B A builder is on duty to construct a wall of the office. He works first day for 5 by 9 hours and second day he works for 3 by 4 hours. What fraction of this time was spent building the wall? a builder who office a uh, wall of the उसने पहले दिन फाइव बाई नाइन आर्स काम किया है और सेकेंड डे उसने थ्री बाय फाइव आवर्स किया है अब जो टोटल टाइम जो उसको लगा है ये कंस्ट्रक्ट करने में वॉल वो कितना है तो वो हम यहाँ पे इसमें प्लस करेंगे सॉल्यूशन ही वर्क्स फर्स्ट डे इक्वल्स टू फाइव बाई नाइन आवर्स ही वर्क्स सेकेंड डे इक्वल्स टू थ्री बाय फाइव आवर्स द फ्रैक्शन ऑफ टाइम स्पेंड टू बिल्ड वॉल इज़ फाइव बाय नाइन प्लस थ्री बाय फाइव यहाँ पे नाइन और फाइव जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल नहीं हैं तो हम यहाँ पर एल लेंगे नाइन कॉमा फाइव नाइन है वो थ्री के डबल भी डिवाइड होगा इसका आंसर आएगा थ्री कॉमा फाइव थ्री अगेन जो है वो थ्री के डबल भी डिवाइड होगा वन कॉमा फाइव आंसर है अब फाइव जो है फाइव के डबल भी डिवाइड होगा आंसर आएगा वन कॉमा वन एल्सीयम एक मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव इज इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई बाय फाइव इज फोर्टी फाइव अब हमने डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल करना है नाइन को मैं फाइव के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो फोर्टी फाइव आएगा और फाइव को मैं नाइन के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो फोर्टी फाइव आएगा तो आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फोर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड फोर्टी फाइव 25 plus 27 is 52 so the answer is 52 by 45 52 by 45 isko commonly mixed number mein convert karna hai 52 divided by 45 iska answer rahega, 1 whole 7 by 45 hours the fraction of time spent to build the wall is 1 whole 7 by 45 hours page 47 subtraction of fractions वैन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन पींग सब्ट्रैक्टेड आर द सेम दैन जस्ट सब्ट्रैक्ट द न्यूमिनेटर्स कीपिंग द डिनोमिनेटर द सेम जब डिनोमिनेटर्स किसी भी फ्रैक्शन के सेम हो जाएंगे और वो फ्रैक्शन आपस में माइनस हो रहे हैं तो आप उनके न्यूमिनेटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यू कैन सी द एग्जाम्पल थ्री बाई एट माइनस वन बाई एट इज ईकल टू टू बाई एट and when the denominators are different, change them into fractions that have the same denominator. जब आपके पास डिनोमिनेटर्स की वैल्यू डिफरेंट है तो आपको उन डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा जो कि हम LCM का मेथड यूज़ करेंगे You can see द example six by nine minus one by three. Nine और three डिनोमिनेटर्स हैं इसका LCM nine होगा तो six by nine minus three by nine is equal to three by nine। इसका फर्दर्स lowest फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करेंगे वो होगा वन बाई थ्री एक्सरसाइज नंबर फिफ्टीन सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस पार्ट डी एटीन बाई ट्वेंटी माइनस थ्री बाई फाइव इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम सबसे पहले एलसीएम का मेथड यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर में हमारे पास ट्वेंटी है और फाइव है अब ट्वेंटी कॉमा फाइव मैंने लिख दिया है इसको सबसे पहले हम टू के टेबल से डिवाइड करेंगे टू के टेबल में टू मल्टीप्लाई बाई टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी टू के टेबल में फाइव नहीं आता हम इसको ऐसे वैसे ही नीचे लिख देंगे अब टू के टेबल में टेन कहाँ पे आता है फाइव पे आता है एंड अगेन फाइव कॉमा फाइव ये दोनों फाइव के टेबल पे आएंगे 1, 1. जब हमारे पास वन कॉमा वन आ जाएगा तो हम वहां पर एलसीएम को निकाल निकालना स्टॉप कर देंगे इज़ इक्वल टू एटीन बाई ट्वेंटी माइनस थ्री बाय फाइव इसमें हम फाइव को ट्वेंटी बनाएंगे फाइव को हम किस टीचर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी बन जाए मल्टीप्लाई बाय फोर थ्री को और फाइव को दोनों को हम फोर के साथ मल्टीप्लाई बाय कर देंगे एटीन और ट्वेंटी को हम वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एटीन मल्टीप्लाई बाय वन इज ईकल टू एटीन एंड ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय वन इज ईकल टू ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर इज ईकल टू ट्वेल्व एंड फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर इज ईकल टू ट्वेंटी अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको सब कर सकते हैं एटीन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्स ओवर ट्वेंटी नाउ विच चेक सिक्स बाई ट्वेंटी को हम लोएस्ट फॉर्म में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं या नहीं जी हम कर सकते हैं इसको हम डिवाइड बाई टू करेंगे सिक्स डिवाइड बाई टू इज ईक्ल टू थ्री एंड ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू इज इक्ल टू टेन थ्री हमारे पास और नंबर है और टेन हमारे पास इवन नंबर है ये फर्दर किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकता not on your homework now